हेल्प करते हैं, हम लोगों को जाने ही नहीं देते। आप पाकिस्तान में कहाँ से हो? कराची से। कराची भूखा नहीं रहता? खाना पीना सब चीज सस्ता। हम दिल्ली लेके चलते हैं आपको। नहीं किधर दिल्ली, तुम्हारे को उधर पकड़ के तुम मार देगा। पाकिस्तानियों को किधर तुम लोग छोड़ते हैं? हमने कभी किसी पाकिस्तानी को नहीं पीटा है, आगे भी नहीं पीटेंगे। पाकिस्तानी भाई मिले थे, बोले थे हमें इंडिया ले जाओ, आपका जो मोदी है हमें पीटता है। कम मेरा नाम है दीपक और स्वागत करता हूँ भाई आप सभी का एक और नई वीडियो में। पीछे था वो गुरुद्वारा जिसमें मैं कल रात को आया था। आज है फ्राइडे, पूरा का पूरा ईरान बंद है भाई। सुबह सुबह का ये नज़ारा है अपनी इंडियन कॉलोनी का। और ये यहाँ पे डस्टबिन का हाल देखो भाई। थोड़ा सा मेन हाईवे की तरफ आ गया हूँ, लेकिन मेन हाईवे के भी हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं मुझे कि भाई खाली ही पड़ा है मेन हाईवे। ट्रैफिक तो फ्राइडे के दिन भाई दबा के है। सामने वाले रोड पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है पूरा आगे तक। और ये है यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए बना रखे है भाई, अपने इंडिया जैसे है। ये सामने बस स्टैंड बना रखा है और जो ये वाली रोड की लेन दिख रही है आपको, ये बस लेन है। बस लेन के अंदर आप अपनी गाड़ी या बाइक नहीं चला सकते। तो ये है हसन भाई जो कि मुझे मिले हैं काउचसर्फिंग हैंगआउट से। माय नेम इज हुसैन, ओरिजिनली फ्रॉम केरमानशाह, वेस्ट पार्ट ऑफ ईरान। तो हाउ इज तेहरान? इट्स फाइन, सो क्राउडेड ऑफ कोर्स। इट्स सो क्राउडेड। फ्राइडे है तो भाई कबूतरों की भी छुट्टी है। ए हमारे इंडियंस के लिए सैनिकल वीजा लेना जर्मनी फ्रांस में सेटल होना मुश्किल है, वैसा ही कुछ। हेलो सलाम। छोटी छोटी भाई लकड़ी की रिक्शा में यहाँ पे लोग फूल वगैरह बेच रहे हैं। अभी मैं आ गया हूँ भाई ईरान की तेहरान सिटी की सबसे फेमस बर्लिन स्ट्रीट में। ये सामने है बर्लिन स्ट्रीट। थोड़ा सा प्यारा सा म्यूजिक चल रहा है। छोटी छोटी कपड़ों की दुकान है भाई यहाँ पे, बिजली के बल्ब और ये लड़ी जो हम दिवाली पे यूज करते हैं। हेलो सलाम। और ये भाई लेडीज का सामान, लिपस्टिक, लाली पाउडर, इनको दिखाने का फायदा नहीं है। तो ये है भाई बीन्स और ये चकचुंदर। छोटी छोटी दुकानों पे ऐसी मशीनें मिल जाएगी ईरान के अंदर। और ये ऐसा कुछ ईरान का कार्ड होता है भाई, यहाँ स्वाइप करते हैं और यहाँ से बिल निकल के आ जाता है। ईरान के बीन्स, चेयर्स मैन, चेयर्स। नॉर्मल बीन्स है, उनके ऊपर थोड़ा गरम मसाला छिड़क दिया है। 180 रुपये में हमें ये छोटा सा बीन्स का डिब्बा दिया है। नाइस क्लॉथ। कपड़े अच्छे हैं भाई के। दिस इज द कुर्दिश कॉस्ट्यूम। कुर्दिश कॉस्ट्यूम, योर एरिया कॉस्ट्यूम। सो यहाँ पे भाई कुछ रशियन कपड़े है। ये जो तबरीज सिटी है वो अज़रबैजान के बिल्कुल पास में है और वहाँ पे टेम्परेचर काफी ठंडा है, बर्फ है। ईरान के अंदर भाई आपको रशियन कपड़े भी मिल जाएंगे। और ये है भाई ईरान की पुरानी करेंसी, ये वाला जो नोट है भाई आज से 45 साल पुराना है। 45 ईयर्स ओल्ड है। दैट्स 100 रियाल। 100 रियाल, या बैक इन दोस डे विद दैट यू कुड बाय अ हाउस विद दिस सिंगल नोट। या आई कैन बाय अ हाउस। या सीरियसली, यू कुड राइट नाउ। नाउ राइट नाउ भाई, उस पुराने टाइम में मैं इस एक नोट से एक घर खरीद सकता था। ये है भाई सबसे पुराना सिक्का। ये सिक्का भाई 100 साल से भी पुराना है, जो कि ये अंकल जी हमारे रोड पे पुराने सिक्कों को बेच रहे हैं और पुरानी करेंसी है। और ये अजीब नोट है भाई, एक घर खरीद सकते हो। आई एम लाइक यू कैन बाय हाउस विद वन पेपर। क्या बात है भाई, एक नोट से एक घर खरीद सकते हो। और ये भाई यहाँ पे चश्मे बेच रहा है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? अरे बढ़िया, कैसे हिंदी बोली आपने? हिंदी कैसे? अफगानिस्तान से? सबसे अच्छा ईरान। सबसे अच्छा ईरान, बट आप बंदा इधर बंदा भूखा नहीं रहता। वैसे आप अफगानिस्तान से हो? नहीं पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान में कहाँ से? कराची से। कराची, मैं हिंदुस्तान। क्या बात है। बस बढ़िया, चश्मे बेचते हो? सबसे बढ़िया दिखाओ मेरे लिए। बड़ा जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त है। हमारे पाकिस्तानी भाई बेच रहे हैं तो थोड़ा सा बनता है भाई हमारा भी हिंदुस्तानियों का फर्ज। इधर बंदा भूखा नहीं रहता और हर चीज सस्ता है। भूखा नहीं रहता, खाना पीना सब चीज सस्ता है। हाँ तो आप ये कितने टाइम से कर रहे हो यहाँ पे? इधर तो हो गया हमारे 4-5 महीने। 4-5 महीने भाई इधर तो उसका हो गया 2.5-3 साल। अच्छा अच्छा, ईरान में शादी? बड़े भाई ने। आप कहाँ करोगे? हम तो इधर ही करेंगे अगर कोई मिल गया। अभी नहीं मिली? नहीं ना अभी। अरे यार इतनी लड़कियाँ घूम रही है, वो देखो साइड में भी लड़की है। पैसेदार हैं सब। सब पैसेदार है सब। तो पैसेदार अच्छी है, आपको पैसेदार मिलेगी। नाम क्या है भाईजान आपका? अब्बास। मेरा नाम दीपक है।
ये आपके साथ ही है? ये भी आपका नाम भाई? चाचे का, चाचा का लड़का है। हाँ, हेल्प करते हैं, हम लोगों को जाने ही नहीं देते। आप पाकिस्तान में कहाँ से हो? कराची से। कराची, चलो आप अभी हमारे साथ चलो, हम ताबेदार है, चले काम करते हैं ना अभी काम कर रहे हैं, नहीं तो हम आज तुम्हारे साथ होते सारा दिन। हम दिल्ली लेके चलते हैं आपको। नहीं किधर दिल्ली, तुम्हारे को उधर पकड़ के तुम मार देगा। अरे यार, पाकिस्तानियों को किधर तुम लोग छोड़ते हैं, एक मिनट में पकड़ देता। भाई देखो, ये भाई इतनी गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, हमने कभी किसी पाकिस्तानी को नहीं पीटा है, आगे भी नहीं पीटेंगे। हमारे उधर ख्याल नहीं रखते हो, नहीं तो पाकिस्तान हो तो एक ही है, दोनों फर्क नहीं है। सब बड़े बड़े जो गांधी है और बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं, उसके नाम क्या है, नेहरू? नहीं नहीं, वो जो बुड्ढा से है, नरेंद्र मोदी। किधर वो हमको छोड़ता है, नहीं तो हमारो तुम्हारा मुल्क तो एक ही था। तो नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया इंसान है भाई। यार वो उसका नाम भी नहीं मालूम है। नरेंद्र मोदी, मोदी 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 छोड़ता है हमको। यार ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मुल्क अच्छे हैं। नहीं, एक मुल्क था ना, पाकिस्तान हो तो एक ही। तो ये अब हम हमारे सभी पाकिस्तानी भाई सब कराची से है, ये ईरानी है। इसका तो, मतलब जो ईरानी है। नहीं भाई, ये भी अच्छा बंदा है, ऐसे कैसे नहीं लेंगे। अच्छा लगा भाई जान मिलके, ठीक है, फिर कभी मिलेंगे। ओके भाई, ओके ओके, अच्छे से पैसे वैसे कमाओ, कोशिश करो इंडिया में मत आना, कहीं बड़ी फ्रांस जर्मनी यूएस वगैरह जाओ। अभी कुछ भाई पाकिस्तानी भाई मिले थे, बोले थे हमें इंडिया ले जाओ, आपका जो मोदी है हमें पीटता है, अगर हम इंडिया से ले गए तो हमें पीटोगे, ये करोगे वो करोगे। मैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने लास्ट में उन्हें बोला भाई इंडिया मत आना, अपना यूरोप वगैरह निकल जाना, कुछ करना है तो वहाँ करना, इंडिया में नहीं करना। पहले हमारी कंट्री काफ़ी पीसफुल लाइफ जी रही है और हम अपने इस पीस को बिगाड़ना नहीं चाहते। 150,000 ईरानी, ये वाला चश्मा मैंने ख़रीदा है, अक्षय कुमार वाला। फ्राइडे के दिन भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक कहाँ होता है भाई। तेहरान ही ईरान की सबसे बड़ी कैपिटल सिटी है। ग्रीन लाइट में एक बेचारा बूढ़ा भाग रहा है। हेलो, सलाम, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम गुड। Oh, yeah. This is a traditional dress. Yeah, traditional dress that used to hello most of people in restaurants or cafes in the past. Like to show in the culture. Weird, yeah. So uncle शायद किसी भाई restaurant या cafe में काम करते हैं। और ये देखो सामने भाई बस, और बस के पीछे पुलिस की गाड़ी। मैं ईरान के अंदर पुलिस दिखा रहा हूँ भाई, मुझे मरना है क्या? आप एक जनाब की गाड़ी ख़राब हो गई है सामने, तो रोड के बीच में ही उसको खोल दिया है। अभी हम लोग आ गए हैं भाई बर्गर की दुकान में, यहाँ पे बाहर कुछ अपने मुर्गे लटका रखे हैं, मार के बेचारों की ज़िंदगी निकाल ली गई है। फाइनली हमारे बर्गर आ गए हैं, इनका साइज देखो भाई। तो भाई खाना हो गया है, लेकिन मेरे से खाया नहीं गया, तो इसको मैं किसी को नीचे दे दूंगा। और ये कोल्ड ड्रिंक लेके चलते हैं साथ में, ये भी, ये तो मैं पी लूँगा। नीचे रेस्टोरेंट बर्गर मेरे से पूरा खाया नहीं गया, तो मैंने इसको पैक करवा लिया है, क्योंकि किसी को भी मैं रोड पे दे दूंगा। बहुत जल्दी शाम होने वाली है, 3:34, एक घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। अभी मैं आ गया हूँ भाई फिर से मेट्रो के अंदर, और पिछली बार आई थिंक मैंने मेट्रो की टिकट नहीं बताई थी। सामने है टिकट काउंटर मेट्रो के लिए, और आप चाहे तो उधर लगी इन मशीनों से भी मेट्रो की टिकट निकाल सकते हो। और मेट्रो के लिए आपको देना पड़ता है 40,000 ईरानियन करेंसी, जो कि पड़ती है लगभग 15 रुपये के आसपास, 12 रुपये के आसपास, कुछ ऐसी होती है भाई मेट्रो की टिकट। और आपको इन्हें लगाना पड़ता है, यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है, दरवाज़ा खुल जाता है और आप मेट्रो के अंदर आ जाते हो। और फिर ये टिकट किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि आपकी मेट्रो में कोई चेकिंग नहीं होती, टिकट चेकिंग नहीं होती, और आपको वापस निकलने के लिए दोबारा इसको स्कैन नहीं करना पड़ता। शू रोनाल्डो, हे हाउ डू अगेन, हाउ आर यू? और ये देखो भाई बच्चा मेट्रो में सामान बेचता है। ओके, आई एम गुड मैन, हाउ आर यू? यू गुड? हेलो, यस, यू लव रोनाल्डो? फारसी वाला नहीं। ओके, नाइस टू मीट यू मैन, नाइस टू मीट यू ऑल। ओके बाय बाय, लेट मी गो, खुदा हाफिज। ये है यहाँ पे भाई, हम यहाँ पे है, और ऐसा कुछ है तेहरान की मेट्रो स्टेशन,
काफ़ी उलझी हुई मेट्रो है और अभी हमें यहाँ से जाना है यहाँ पर। और मैंने पहली बार इतनी खाली मेट्रो स्टेशन देखा है भाई, एलिवेटर भी बंद कर रखा है, सीढ़ियों से पैदल चल के जाना पड़ेगा। ये वाला तो भाई काफ़ी प्यारा मेट्रो स्टेशन बना रखा है यहाँ पे। हुसैन मैं दीपक भाई एक सब्सक्राइबर।